What's up guys, Amar Singh and you watching the Pharma World। आज की वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेटिव या नॉलेज वाला कंटेंट नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आज बात करूंगा अपने कॉलेज जर्नी के बारे में। जहां वही जर्नी जहां पर मैंने कई सारे सिचुएशन को फेस किया हुआ है, वो सारे मोमेंट जो कि हैप्पी से हैप्पी और सैड से सैड मोमेंट है, उसमें कई सारे मेरे ऐसे पल गुजरे हैं जिनको मैंने बहुत मजे से गुजारे हैं, और वो कई सारे पल जिनको मैंने पूरे डर के साथ जिया। तो यार ये सब तो अपनी जगह है, और उसके बाद एक नया चीज आता है, कोरोना। जी हाँ, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से हमारे कॉलेज बंद हुए। अब उस कॉलेज बंद होने की वजह से हमारे कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर यार बहुत बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उस सदमे के बारे में आज बात करूंगा। तो यार इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे मेरे दिन बीतते गए, फ्रेंडशिप बनते गए और सीनियर से जान पहचान होते रही। उसके बाद फ्रेशर पार्टी हुए, बहुत सारे फेस्टिवल्स हुए, और जितने भी इलेक्शन वगैरह थे उन सबको मैंने यार फुल मतलब मजे में जिए। लैब में जाकर के लेट लैब में पहुंचना या वहीं पर बैठ करके प्रैक्टिकल का काम करना, और तो और इसके साथ साथ लंच में दूसरों का खाना खाना और कैंटीन में दूसरों से पैसे मांगना या दोस्तों से पैसे छीन करके खाना। तो ये सब पल हमें बहुत ज्यादा याद आते हैं। इनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ये हमारे अलग ही टॉपिक हो जाता है। इसके बाद यार हमारी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही थी। हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी दे दिया है, वो भी सही चले गए, गलती से पास हो गए सब लोग। उसके बाद जनवरी की छुट्टियां पड़ गई, विंटर वैकेशन में भी सब लोग हमारे सही कई सारे फ्रेंड्स शिमला वगैरह घूम करके भी आए। फिर फरवरी से हमारे दोबारा स्टार्ट हो गई है सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होते ही हमने फिर सोच लिया था कि इसमें भी पूरा मतलब 5 महीने इंजॉय करेंगे और 6ठे महीने में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और 6ठे महीने में स्टार्ट करने के बाद जो भी होगा जैसे जैसे करके हम पास हो जाएंगे। तो ये हमारा प्लान था सेकंड सेमेस्टर का, लेकिन यार पूरा प्लान फेल हो गया। रीजन तो यार आप सभी को पता होगा, कोरोना वायरस। जी हाँ, यह बहुत बड़ा रीजन है हमारे लिए। इसके बाद हमने स्टार्ट की अपनी पढ़ाई स्टार्ट की फरवरी के स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट कर दी थी। फिर आया नोटिस कि 12 फरवरी से एग्जाम है, हम रेडी हो गए, डेट सेट मिल गया हमें। हमारा फर्स्ट एग्जाम था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, वो एग्जाम देने के लिए सभी बच्चे आए कॉलेज में। फर्स्ट सेशन देने के लिए हम रेडी हुए, बैठे डेस्क पे। हमें नहीं पता था हम जिस डेस्क पे बैठ रहे हैं वो हमारा फर्स्ट एग्जाम ना बोल के लास्ट एग्जाम बन जाएगा। जिस दोस्तों के साथ हम एग्जाम दे रहे हैं वो दोस्तों से कब मिलेंगे हमें ये भी नहीं पता था, और जो सामने टीचर खड़ा है उस टीचर की डांट हम फिर कब सुनेंगे हमें ये भी नहीं पता था। इन सबको हमने बहुत ज्यादा मिस किया, और इस मोमेंट को हम यार बिल्कुल भी नहीं जी पाए, क्योंकि हमें पता था कि ये रेगुलर डे की तरह ही डे है, तो यार इसको क्या एंजॉय करना। अगर हमें पता था कि कल से या फिर आज शाम में जब हम घर पहुंचेंगे तो हमें न्यूज मिलेगी कल से कॉलेज नहीं आना है, सारे एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, तो जब हमें ये न्यूज मिली तो हमने बोला यार बढ़िया है, बहुत दिन की छुट्टी मिली है, फुल एंजॉय करेंगे। लेकिन वो जो हॉस्टल वाले बच्चे थे वो सिर्फ घर गए थे 6 दिन या 7 दिन के लिए, आज उनको कम से कम 10 महीने हो चुके हैं। तो उन्हें भी अपने हॉस्टल लाइफ को जीना है, कॉलेज लाइफ को जीना है, हमें भी वो कॉलेज लाइफ को जीना है जो कि हम मेट्रो में जाते थे बात करते हुए, एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हुए, और लंच में कैंटीन में जाना, और जैसे ही टीचर आ जाता था तो भागते हुए आना, या फिर लेक्चर के बीच में प्रॉक्सी लगाना, और ऐसे यार कई सारे मोमेंट आप लोग समझ सकते हैं कॉलेज में होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या क्या मिस किया, तो यार वो ये मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए वर्ड नहीं है, क्योंकि हम कॉलेज में जब जाते हैं ना, ये ट्रांजिशन जो होता है स्कूल से कॉलेज का वो बहुत ही बड़ा होता है। स्कूल में क्या है कि हम स्कूल गए, स्कूल से घर, फिर घर से स्कूल, स्कूल से घर, हमारा बस इतना ही होता है। लेकिन जो कॉलेज है ना, जब एक बार हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं उसके बाद हम दुनिया देखते हैं। जब वो हमारे पेरेंट्स नहीं कहते कि हमने दुनिया जी रखी है, तो वो हमारी स्टार्टिंग होती है दुनिया जीने की, वही टाइम होता है कि हम जब जिए। और यार इसी टाइम पे अगर लॉकडाउन हो जाए तो
हम जी नहीं सकते, सिर्फ काट सकते हैं वो लाइफ। इसके बाद अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूं कि स्कूल में और कॉलेज में क्या होता था, स्कूल में क्या है कि अगर हमने ट्यूशन जाना है तो ट्यूशन का ट्रैवल किया, घर आया, स्कूल जाना है फिर वहां से घर आना है, ट्यूशन पढ़ना हो तो ट्यूशन पढ़ लेंगे। लेकिन कॉलेज में क्या है, सुबह उठा, कॉलेज जाना तो ठीक है, मूड चेंज हुआ तो अपना सरोजनी नगर चला गया या सीपी चला गया, कहीं और का मूड बना तो कहीं और चला गया, यार मतलब फुल मौज में अगर पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। वैसे स्कूल में यार मतलब टाइम टू टाइम जाना है, सारे क्लास अटेंड करने हैं, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं यार जो बहुत साई नेचर के होते हैं स्कूल में, लेकिन उनका सारा कैरेक्टर चेंज होता है, हो जाता है स्कूल में आते ही, कॉलेज में आते ही। कॉलेज में आने के बाद क्या है कि जो स्टूडेंट गर्ल से बात नहीं करता था स्कूल में, वही आकर के एकदम चेंज हो जाता है, और वो सारे के सारे मतलब प्लेबॉय बन जाते हैं यार। तो बाकी यार ऐसे कई सारे मोमेंट है जो कि हम मिस कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही पर्पस है कि मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ अपने कॉलेज लाइफ को। होपफुली यार आप भी अगर मिस कर रहे हो अपने कॉलेज को तो यार वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आप कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं और कौन से मोमेंट को ज्यादा मिस कर रहे हैं। इसके साथ यार बाकी जल्दी कॉलेज में मिलते हैं, और अपना फ्रेशर्स को यार हमें मुझे पार्टी भी देनी है तो उसके लिए भी मैं थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ कि यार पार्टी वार्टी तो बनती है, ठीक है। बाकी हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी फेयरवेल भी करवानी है, और जितने सारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं अपने कॉलेज में वो भी इंजॉय करने हैं। इसके साथ यार मेरी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपडेट जानने के लिए यार घंटा बजाना ना भूलें। इसके साथ यार आज की वीडियो कंप्लीट होती है, बाय।